अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने अपने घरों में हमेशा खुश और आबाद रहे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, आज रावलपिंडी का मौसम इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि मैं क्या आपको बताऊँ ना। अभी जो मेरी कार्डिंग कर रही हूँ वो भी मैं गाड़ी में ही बैठ के कर रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। धूप लग रही है और अगर गाड़ी बंद हो तो आपको पता है धूप कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ईमान फातिमा को मैंने सुबह सुबह ही नहलाया और हम लोगों ने नाश्ता बाहर करना था, इसलिए उसे नहला के फ़ौरन मैंने गाड़ी में बिठा दिया, तो हीटर चला दिया, तो वो माशाल्लाह से भी उसके बाल वगैरह भी खुश्क हो गए और सुकून आ गया ना। बच्चों को नहलाना इस मौसम में बहुत मुश्किल होता है, तो अभी हम धूप इंजॉय कर रहे हैं। पहले हम लोग बस अपने बैरियाटोन में ही घूमते रहे, फिर हम लोगों ने जमील स्वीट से नाश्ता करने के बाद जो है अभी हम आगे की तरफ निकल रहे हैं, कमर्शियल मार्केट की तरफ निकल रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मतलब मैं अपनी रिकॉर्डिंग मुकम्मल कर लूँ, अपने व्लॉग्स को मतलब कोई अमली जामा पहना दूँ, तो अच्छा लगता है आप लोगों के व्लॉग भी देख के। कई मेरी ऐसी बहनें हैं जिनके व्लॉग मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। शनाज कोसर हैं, एक सिस्टर हैं इधर की हैं, पटवार से इनका तल्लक है, इनकी वीडियो मैंने इतना ज़्यादा उस दिन इंजॉय की। अपनी पड़ोसन के साथ जो है गपशप कर रही थी, वो बारिश में इनके घर आई कुछ देने के लिए, इनकी खाली प्लेटें देने के लिए आई, तो ये उसके साथ फ़न कर रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था। तो इसी तरह अच्छा लगता है, यानी रूटीन से हट के ना, ये कि ये क्या मैं बताऊं कि जी अब हम अनार का जूस पी रहे हैं और अब हम जो है ना खाना खा रहे हैं, या मैंने ये वाली रेसिपी बनाई है, ये वो रेसिपियाँ तो मैं आपसे शेयर करूँगी, लेकिन थोड़ा सा ना मतलब ऐसा होना चाहिए जिससे इंजॉय किया जाए ना, जैसे हम दोस्तों के साथ मिल के बैठ के गपशप लगाते हैं तो हम आपस में सारे इंजॉय कर रहे होते हैं, वैसा ही मैं मतलब अपने व्लॉग को वैसी ही शक्ल देना चाहती हूँ। ये नहीं कि बस वही रूटीन की बातें नहीं करना चाहती ना। तो उस दिन मेरे हस्बैंड ने भी बड़े मज़े की बात बोली ना, उन्होंने बोला तुमने ना अपने हाथ में कॉफ़ी का मग लिया हुआ है और तुम ना बोंगियाँ मार रही हो ना, लेकिन अगर तुम यहाँ पे ऐसे बोलती कॉफ़ी का कप है जी मेरे हाथ में, मैं गरम गरम कॉफ़ी पी रही हूँ, ये सर सब खेत हैं, तो तुम्हें कोई भी नहीं देखता मुझे कहते तुम्हें लोग जो है ना तुम्हारी बोंगियों की वजह से पसंद कर रहे हैं। तो ये मेरे मतलब मियाँ का वो है कि मेरे इन्हीं बातों से लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, तो मैं उसी चीज़ को क्यों ना वो आगे लेके बढ़ूँ जो मेरे मतलब हस्बैंड मुझे कह रहे हैं। ऐसी बात है, जितना वो मुझे अच्छा समझते हैं इतना तो कोई और अच्छा नहीं समझता ना, तो इसीलिए जो है ना बस बोंगियाँ ही मारते हैं, आप लोगों को खुश करते हैं, आप हमारी बोंगियों को पसंद किया करें, लाइक किया करें, और जी जो लोग नए नए दोस्त बन रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ना। और एक और बहुत अच्छा चैनल है जीएस के नाम से है, इंडियन चैनल है, पड़ोसी मुल्क से है, उन्होंने मुझे बड़ी ही मज़े की बात बताई। उन्होंने बोला कि बड़ा लंबा उनका मैसेज था मेरे प्रीवियस व्लॉग में, उन्होंने बोला कि आपकी ना वीडियो में दम होना चाहिए, आपकी यानी कि आपके व्लॉग में दम होना चाहिए, कोई आपको एक सेकंड देखता है, दो मिनट देखता है, तीन मिनट देखता है, ये तो मतलब उस पर डिपेंड करता है, आप इस चीज़ को छोड़ दें, आप अपना काम इतना पावरफुल करें, इतना अच्छा करें कि लोग रुक जाएँ ना, सुनने के लिए रुक जाएँ, देखने के लिए रुक जाएँ ना। तो मुझे बात उनकी बड़ी ही अट्रैक्टिव लगी ना, कि वाकई में बात से बात निकालना, काम से काम यानी के निकालना, आपको कोई अच्छी चीज़ दिखाना, वही झाड़ू मतलब पोछा ठीक है वो कभी कभी बंदा दिखाता है अच्छा लगता है, लेकिन मैं हर वक्त जो अंडे बना बना के आप लोगों को दिखाती रहूँ तो आप बोर हो जाएंगे ना, तो अंडा तो सारे ही बना लेते हैं ना। तो मैं थोड़ा सा आपको अपने रावलपिंडी शहर की सैर करवाती हूँ, अच्छी अच्छी जगह दिखाती हूँ, थोड़ा अपना लाइफस्टाइल दिखाती हूँ, हालांकि सादा सा बंदा हूँ, मेरा सादा सा लाइफस्टाइल है, लेकिन सादगी में ही उसने मेरा ख्याल जहाँ तक ये है, मैं खुद ऐसे ही आप जैसे खुद व्लॉग बनाती हूँ ना ऐसे ही व्लॉग खुद भी देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे इस तरह भी लगता है कि हमारे मुल्क में ना बहुत कम ये ख्वातीन जो है ना ये वाला काम कर रही हैं, व्लॉग्स बना रही हैं या जो भी ना, और कुकिंग से रिलेटेड तो इतने ज़्यादा चैनल हैं, इतने ज़्यादा चैनल हैं कि मतलब वो तो आप जैसे ही आपको पता ही है, आप सब के पास भी ऐसे रोज़ाना यूट्यूबर आते हैं जो कुकिंग से रिलेटेड काम करते हैं ना, तो मेरा भी दिल करता था मैं कुछ यूनिक सा करूँ ना,
तो वो जो माशाल्लाह से बहुत अच्छी बड़ी यूट्यूबर है ना, नादिया, नादिया जो है, नादिया का किचन के नाम से जो है, मैं उनसे भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुई हूँ ना। तो मैंने उनका पहला व्लॉग यहीं पे, ये पिंडी में आई हुई थी, तो इन्होंने यहाँ पे कोई व्लॉग अपना शूट किया हुआ था, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम मेरा वही पे मेरी नज़र से गुजरा ना। उसके बाद से मुझे जो है ना दिलचस्पी पैदा हुई नादिया को देखने के बाद कि मैं भी कर सकती हूँ ये काम ना। और एक और मज़े की आपको बात बताऊं कि मैं पिछले 3-4-5 सालों से, बल्कि मतलब जब से YouTube है भी, मैं बंद भी रहा है, तो मैं जो है ना हमेशा पड़ोसी मुल्क के व्लॉग्स देखती थी और मैं सोचती थी कि हमारे मुल्क में कोई भी ऐसा नहीं है जो मतलब इस तरह का कोई काम कर रहा हो या इस तरह से ना। तो लड़कियां कर रही हैं, वो फैशन से रिलेटेड कर रही हैं।